बड़ा अजीब सा लग रहा है। उसामा पहली जगह तो आपने बड़ी यार मुझे यार ये काफ़ी मशहूर जगह है बेनज़ीर। यहाँ पे एक ऐसी बात ये है ना मच्छरों की चीज लगाया हुआ है वो बार बार टिक टिक कर रहे हैं। देखो आवाज़ आई ना अच्छी है। ये हमारे लिए डालेंगे कि नहीं? नहीं हमारा वो है तो यार हम फिर वे तो डालना तो चाहिए। ये सामने जो भाई आइसक्रीम बना रहे हैं ना आप उसकी बात है इसके माथे पे ना पसीना पसीना है यार मुझे ये ना डर लग रहा है कि यार ये पसीना कहीं आइसक्रीम में ना गिर जाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस क्या हाल है तबीयत से ठीक है? तो यार ना हाँ भाई आज हमें कोई पार्टी वगैरह दे रहे पता नहीं किस चीज़ की पार्टी है लेकिन वो कह रहे यार चले आज आप माथे में का चलो ठीक है यार लोग भी बना लेंगे तो भी बस निकलने वाले कोई चाट वगैरह खाना है और उसके बाद ना कोई मतलब तीन चार जगह उसने मतलब कल हम शर्त लगाया था तो झुके थे हम तो वो हमें आज खिला रहे थे तो मैंने कहा तीन जगह पे हम जाएंगे तो दो उसकी पसंद की जगह एक हमारी है तो बस निकलते अब देखते ना क्या सीन बनता है। यार दो तीन दिन हो गए लाहौर का मौसम बड़ा खूबसूरत हुआ हुआ है यार बफी पे जा रहे और नीचे ना टायर भी मतलब हवा बहुत कम हो गई है यार मतलब पहले इसको ना हवा डलवाते फिर निकलते। उसामा भाई भी हमारे साथ है। उसामा भाई पता नहीं अंदर रह गए क्या कर रहे हैं यार इतना टाइम लगा दिया। उसामा भाई में उसामा भाई आज ना मतलब आप तो पार्टी दे रहे हो ना पहले मैंने बता दिया कि आप पार्टी दे रहे हो भाई तो अपने पहले स्टॉप पर पहुँच गए क्योंकि उसामा भाई ने कहा था पहले समोसा चाट वगैरह खाना है तो यहाँ पर ना पहुँच गए अब और ये बहुत दूर है यार बहुत जलील कर दिया लोकेशन भी नहीं मिल रही थी तो आखिरकार पहुंच ही गए यार चीज़ें समोसे तो मिल गए यार लेकिन बहुत मतलब जगह बैठने के लिए नहीं है साथ ही बस दुकान है हम इधर बैठे हुए तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। उसामा पहली जगह तो आपने बड़ी यार मुझे यार ये काफ़ी मशहूर जगह है बेनज़ीर समोसा मतलब काफ़ी पुरानी जगह है इनकी और सस्ता भी है 50 रुपये की प्लेट है हमने डबल मंगवाया तो 100 रुपये की प्लेट होगी। फ्रेस ना यार इसका अभी तक तो फिलहाल ज़बरदस्त है मैंने बाइट कर लिया लेकिन अच्छा लगा यार कोई बात नहीं जगह सी नहीं है लेकिन टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे बेनज़ीर वाले सही दे रहे चीज़ मज़े की है यार मतलब पैसे पूरे हो गए हमारे यार। उसामा भाई यार चीज़ तो ज़बरदस्त है यार काफ़ी मतलब मेन चीज़ इसमें जो है ना वो चटनी की है चटनी काफ़ी मज़ेदार है दो चटनियाँ एक लाल वाली है लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी सी वो मीठी चटनी है यार कोई बात नहीं यार जगह नहीं है बैठने के लिए लेकिन आपको क्वालिटी दे रहे हो तो फिर कोई बात नहीं इतना कॉम्प्रोमाइज बनता है फिर आपको पहली चीज़ तो डन होगी मतलब यार बेनज़ीर वाले यार काम इन्होंने अच्छा किया है ज़बरदस्त किया है मतलब फिर जगह बैठने की नहीं है और काम अच्छा है। उसामा भाई एक दूसरी मंजिल पे चलते हैं पहला तो डन हो गया कश्मीरी दाल चावल जो भी अनारकली में मतलब ये लक्ष्मी चौक के अंदर ही है उसमें थोड़ा सा फासला है 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है तो आप नेक्स्ट टाइम उधर ही जा रहे हैं अब देखते हैं ना वो वहाँ पे क्या हिसाब होता है लेकिन यहाँ पे यार अच्छा था लेकिन जो है ना बैठने की जगह नहीं है और ना अगर वो होती तो फिर बेस्ट होता है। अभी ना दूसरी जगह पे आ गए कश्मीर दाल चावल है क्या है अभी ना अभी इनका टेस्ट देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है पास ये इतना दूर नहीं है अभी हमारा है दूसरी जगह अब देखते हैं ना कि यार यहाँ पे तो बैठने की जगह आखिरकार मिल गई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसे है मतलब अच्छा है कि नहीं चावल चावल उस दाल चावल बड़ा नाम सुना था कश्मीरी दाल चावल लक्ष्मी चौक में काफ़ी पुरानी जगह है अभी यहाँ पे मेन्यू देखते हैं तो आप देखते हैं कि कौन सा ना अब ये भाई ये वाला मेन्यू है बस ठीक है ये चीज़ें हैं अब इसमें ऑर्डर कर लेते हैं मर्जी आपकी। उसामा भाई आप हमें पार्टी दे रहे हो क्या ख्याल है उसामा भाई कुछ दे रहे थे मैंने व्लॉग बंद कर दिया तो सुनिए जरा क्या कहना चाह रहे यार वो अभी 2 हाफ प्लेट मंगवाएंगे पहले से हमने समोसा खाया तो फिर थोड़ा सा भरा हुआ है तो हाफ प्लेट दाल चावल साथ में शामिल है देखते हैं इनका खाना कैसे काफ़ी पुराने 1960 लिखा हुआ है कि 1960 से वो चाचा की तस्वीर भी सामने लगी हुई है पता नहीं कौन से चाचा है लेकिन है यहाँ के कोई और हाँ इतनी देखो अच्छी अच्छी तस्वीरें लगी हुई है चाचा की पुरानी तो अब देखते ना क्या हिसाब किताब है पहले तो जगह नहीं मिल रही बैठने की अभी शुक्र है जगह भी मिल गई और रश भी नहीं है रश में ना थोड़ा सा फिर आपको पता है शोर भी आता है ब्लॉग में माइक भी नहीं कोई माइक लेंगे इंशाल्लाह भाई ने भी ले लिया हमारे बड़े भाई ने गिरकत आज मंडे भी है तो लोग कम है वीकेंड पे आप आ जाओ तो जगह पूरी भरी होगी हाँ रश होगा यार ये बात है हमारी बफी भी बाहर खड़ी हुई है कोई चोरी ना कर रहे और असल के ना उसामा भाई ना बड़े लंबे लंबे तकरीरें करते हैं मतलब ये शुरू हो जाते फिर ये चुप होते नहीं है पता नहीं इसके क्या उसामा भाई तकरीर ना किया करो शॉर्ट बताया करो बस ये चीज़ है तो
ये तो मैं नहीं कह रहा, मैं सर लोकेशन बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने आना है तो ये लक्ष्मी चौक है। आ जाए यार, आप लोग आ जाए, इन लोगों का भी कुछ हो जाएगा, हमारा भी आप ख्याल रख दिया करो, आ जाए करो यहाँ पे, ठीक है? अच्छा है, देखते टेस्ट देखते हैं कि टेस्ट इन लोगों का कैसा है। फूड ब्लॉगर तो कहाँ नहीं है खैर, लेकिन चलो आपको दिखा देते हैं यार। ये हमारे दाल चावल आगे लगते तो अच्छे ही है, अब देख देना टेस्ट कैसा होता है। मैंने तो अपने लिए पेप्सी मंगवा ली, क्योंकि यार आपके भाई का ना थोड़ा सा मैदे का मसला है, तो ये जब खा लेंगे तो हजम भी करना है ना। ऐसा थोड़ी है कि यार बस खा लो फिर उसके बाद घूमना भी है, ऐसा नहीं कि इतनी चीज़ें खा लो फिर हजम करना है, मैदा हमारा इतना अच्छा नहीं है। अब ना टेस्ट करते कि यार इनका ना टेस्ट कैसा है। बहुत अजीब सा बनाया हुआ है, मतलब ऊपर दाल डाली हुई है, चेक करते हैं। अच्छा टेस्ट है यार, मज़ा आया यार। पूरा चेक करते कि पूरे में क्या है, बाद में टिक्की है भी और टेस्ट नहीं गया। मैंने कहा पहले बाइट ले ले, आपको थोड़ा सा बता देना कि जब मुंह में ये मतलब चमचा जाता है, क्या बोला तूने, और इसका जो टेस्ट जाता है ना तो क्या हिसाब होता है। लेकिन अच्छा उसामा भाई क्या है यार, बता रहे यार, आपने तो पूरा खा लिया माशाल्लाह, आपकी स्पीड भी इतनी ज़्यादा है यार। मेरे हिसाब से तो सही है, मतलब इतना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो नहीं है, लेकिन बेहतर है, आम लोगों के लिए अच्छा है, बच्चे भी कम है। ख़त्म हो गया, ठीक है, आपके भाई ने भी ख़त्म कर लिया, उसामा भाई ने भी ख़त्म कर लिया। लेकिन यार सीरियस बताऊं तो मुझे इतना खास नहीं लगा। तुमने कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? पहले जो मैंने रिव्यू दिया था तो उसको कैंसिल कर दे, क्योंकि वो पहले वाला भाई था, तो इस वजह से हमें शुरूर आया, इतना खास नहीं था इसमें। सामा भाई की कहने पे हम आए, लेकिन चलो पार्टी तो ये दे रहे, तो हमने कहा चलो इसने जो देना था वो दे दिए। तो निकलने वाले, क्योंकि अब यहाँ से हो गया, अब देख देना आइसक्रीम वगैरह का फिर बने तो फिर जाते हैं, क्योंकि अभी ना थोड़ा सा खाने के बाद वीज़ा भी होना चाहिए। सामा भाई पैसे जमा कर रहे हो, हम ना बस निकलते। बबी हमारा आज बड़े लश्कर है, मार रहा है, बात तो सही है, बड़ा मज़ा दे रहा है, यकीन करो। मतलब हर तरह से आइसक्रीम है, कोई जगह है नाम तो मुझे भूल गया, ऊपर लिखा हुआ भी है, लेकिन आपका भाई थोड़ा सा ना दिमाग का थोड़ा सा कच्चा है, तो वो सामने बिल्कुल वो उधर ना समोसे वाले थे उसके सामने ही है, आप देख देना अंदर जाते हैं, टेस्ट करते हैं कि क्या आपका भाई कुछ टेस्ट अच्छा है कि नहीं। अभी ना हमारे साथ लव हुआ, मैंने इतनी लंबी वीडियो रिकॉर्ड की, वो कैम फोटो के फोटो मतलब क्लिक हुई सारी, साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़। अब दोबारा बना रहा हूँ जगह के ना, बहुत अच्छी जगह है, ऊपर से ये है ना ये भी लगा हुआ है, थोड़ा सा अच्छा माहौल बनाया हुआ है। वैसे दो जगह तो अजीब से थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। उसामा भाई जल्दी जल्दी ऑर्डर करो, फोन कर मेरे पास, बस ठीक है, मेरे लिए जो करना है कर लो आप, मैं पेंडू सा बंदा हूँ, इतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, कर लो जल्दी से। यहाँ पे एक अच्छी बात ये है ना, मच्छरों के लिए चीज़ लगाया हुआ है, वो बार बार टिक टिक कर रहे हैं, देखो आवाज़ आई ना, अच्छी बात है, मच्छर अंदर आने नहीं दे रहे। शायद में हमारा आइसक्रीम वो भी पड़ा हुआ है, ख़ुद भी हम बना सकते, लेकिन ना इनको छोड़ देते, क्योंकि फिर हम इतना बुरा बना देंगे मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए वो तो हमें कह रहे कि भैया आप बना लो, मशीन अच्छा लोगों ने रखा हुआ है, पूरा मम्मी डैडी माहौल बनाया हुआ है, भाई पूरे मेहनत कर रहे, और सामने बहुत मतलब चॉकलेटें पड़ी हुई, ये चॉकलेट होते मैंने सिर्फ मतलब वो बाहर मुल्कों में ना, खैर मैं तो बाहर गया नहीं हूँ, कुछ पूछा मैंने कुछ कितना बार मुल्कों में पड़ी होती है, वो देखो सामने इतने अच्छे अच्छे चॉकलेट, ये हमारे लिए डालेंगे कि नहीं उसामा भाई, ये हमारे लिए, ये इतने सामने ये चॉकलेट पड़े हुए, ये देखो आप पीछे, ये इतने, ये हमारे लिए डालेंगे कि नहीं? नहीं हमारा वो है क्या नटी वेफर कौन है इसमें, तो यार फिर वे तो डालना तो चाहिए यार, इस तरह क्या बात है, थोड़ी दूसरा ही वाला है ना, हम आपने कहा चूज कर लो, मैं वो अगर आप डिसाइड कर देंगे ये वाला खाना तो ये वाला खा लेते, ये बाउंटी वाला है चॉकलेट। ये सामने जो भाई आइसक्रीम बना रहे हैं ना, आप उसकी बात है, इसके माथे पे ना पसीना पसीना है, और मुझे ये ना डर लग रहा है कि यार ये पसीना कहीं आइसक्रीम में ना गिर जाए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो बस उसामा भाई टेस्ट कर लो यार, क्या टेस्ट है इसका। ओए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अच्छा अच्छा फ्लेवर, क्या बात है, अच्छा चलो शुक्र है तुम्हें पसंद है, अच्छा टेस्ट है। सही है यार, जबरदस्त है यार, इंजॉय करना चाहिए लाइफ को यार। आइसक्रीम जब आप खाते हो ना तो इस तरह किया करो,
दिए। ये क्यों? इसके फ़ायदे बड़े। एक तो ना स्क्रीन के पैसे पूरे हो जाते हैं, इसका मतलब एक दूसरा इसका फायदा है कि गिरता नहीं है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। क्या करो ब्लॉग के चक्कर में, ब्लॉग के चक्कर में यार वो मेरे से आधा गिर गया सारा, आखिर में वो मतलब मेल्ट हो गया सारा। उसामा भाई के यार शश के पूरे हो गए, उसने कहा लिया। उसामा भाई अच्छा था आपका वाला, मेरा वाला इतना अच्छा नहीं है यार, दोनों का सेम ही था, मेरे दोनों सेम फ्लेवर में हुए थे। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। अच्छा तो यार ये मेरे घर इस चीज़ का टेस्ट बदल है यार, बीमार हो इस वजह से। और जगह अच्छी है, खूबसूरत है, आ जाया करो यहाँ के मैदानों में। ये अनोखा चीज़ है क्योंकि ये मतलब थोड़ा सा मम्मी डेडी लग रहा है अंदर से भी, अगर आप चेक कर ले। और तो इलाका थोड़ा सा ना वो वाला है ना, पुराना लाहौर है। उसामा भाई ना आज फुल खर्चे करा रहे, कह रहे सोडा भी पी लो। मैंने कहा ठीक है यार पिला दो भाई, आपके हम मंतजर है सोडा पीने के लिए, कि थोड़ा आएगा तो आप पियेंगे। लेकिन वैसे उसामा भाई ने ऑर्डर कर लिया है और अभी आएगा तो बस आपको फिर बता दें यार क्या चीज़ है। कसम खुदा की बस सारे चीज़ों में ये ज़बरदस्त है यार। उसामा भाई मुझे तो सब चीज़ों में ये चीज़ अच्छी लगी है, यकीन कर दिल ठंडा हो गया मेरा। तुमने तो फ्लेवर वाला मंगवाया, मैंने पुदीना और नींबू वाला मंगवाया, बिल्कुल सही मैदे के लिए भी। यार ये बड़ा कमाल है यार, कसम खुदा की। चार चीज़ों में ये ना मतलब ये जो इसको क्या कहते हैं नाम भूल गया मैंने, सोडा जीत गया, यकीन करें बड़ा मज़ा है। मेरा तो दिल ठंडा हो गया, सारी चीज़ें हजम हो गई मेरी। अब उसामा भाई का नहीं पता कि उसकी हजम हुई या नहीं, मेरी हो गई। घर वापस आ गए और एक बात बताना भूल गया, वो मटकी में क्या कहते हैं उसको यार, नाम भूल गया मैं, सोडा जो हमने लिया ना, तो उसके जो मतलब मालिक थे जो अंकल थे, तो उसने यार बड़ा अच्छा काम किया। हमने ना दो जो सोडे थे ना तो हम घर ला रहे थे, तो उसने ना हमारे लिए उसमें ना वो उसने दे दिया। फिर बाद में जब हमने उसको कहा कि यार शापर डबल कर दे, तो उसने यार अपने लिए मतलब अपनी तरफ से यार मतलब ये इसकी बड़ी बात है, उसने कहा अपनी ये मेरी तरफ से यार मतलब उसमें और ज़्यादा कर लिया, और ज़्यादा दे दिया हमें। तो यार वेल डन भाई, अगर वीडियो देख रहे हो तो बता दिया मैंने कि यार सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला, ठीक है, इसलिए ये कह रहा हूँ उसको। और तो आप लोगों ने व्लॉग इन्जॉय किया होगा, उम्मीद करते हैं इन्जॉय ही करते होंगे आप, क्योंकि जर्मनी से भी व्लॉग आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं। तो यार सपोर्ट कर दिया करो यार, आप लोगों का कुछ नहीं जाता यार, हमारा कुछ भला हो जाएगा तो कर दिया करो यार। बेल आइकॉन है, सब्सक्राइब का बटन है, इतने ऑप्शन है, बस दबा दिया करो किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। बात तो सही है। और इंशाल्लाह आपके साथ अगले व्लॉग में मिलेंगे, कोई अच्छी सी जगह हो, कोई मतलब अभी ना प्लेन बन रहा है हमारा, वो आपको बाद में बताएंगे, फिर ना सस्पेंस ख़राब हो जाता है। हम जाएंगे कहीं तो व्लॉग मस्त व्लॉग बनेगा आपके लिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके साथ फिर कहीं किसी व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।